दोस्तों, ये आपका आज का प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा जो है एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? जब आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, किस कॉन्सेप्ट पर आधारित, ध्यान से देखिए और सुनिए। देखिए, 5 बच्चा टोटल यदि खेल खेल रहा है तो एक बच्चा जो है वह अगले 4 बच्चे के साथ खेल खेलेगा खेलेगा तो टोटल 5 बच्चा है, टोटल 5 बच्चा है। तो नम एन का मान कितना हो गया? 5। यहाँ पे एक आपको हम फॉर्मूला बताते हैं, एन इंटू एन माइनस 1/2। यहाँ पे कुल खेल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कुल खेल। जैसे टोटल बच्चा कितना है? 5 है, 5। और एक बच्चा जो है कितने के साथ खेल खेलेगा, मतलब कितना खेल खेलेगा? एक बच्चा जो है अगले 4 के साथ खेलेगा, इसीलिए यहाँ पे n माइनस 1 लिखते हैं। तो n का मान 5 में से 1 घट जाएगा बटे 2। तो 5 इंटू 5 में से गया 4/2, 2 से कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, मतलब टोटल जो खेल निकल जाएगा 10। यदि आपको हैंडशेक वाला भी क्वेश्चन आ जाए, हाथ मिलाने वाला भी, तो मान लीजिए कह रहा है कि 10 आदमी एक पार्टी में गया है और उस पार्टी में एक दूसरे से सभी हाथ मिलाते हैं, कुल कितना हाथ मिलेगा? तो वहां पर भी जो है एक व्यक्ति टोटल 9 आदमी से हाथ मिलाएगा, तो 10 × 9 अब बटे कर दीजिए 2, 2 × 5 = 10, 5 × 9 = 45 हैंडशेक होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इसे आसानी से सोल्व कर पाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।